Assalamu alaikum and good morning students welcome to forward public school e-learning class 5th subject social studies chapter number 3 climate topic climatic regions reading and explanation part 2 i am your teacher salma safdar now students come to page number 32 today we will study about climatic regions climatic regions means abu khitne. Difference between weather and climate. Mossam or Abu Hawame Fark. Main difference between weather and climate is that weather is considered a level of atmospheric condition, temperature, moisture in the air, and air pressure at a specific time, while climate is the average atmospheric conditions of a specific area for a long time. Difference means Fark. एटमोसफियरक कंडीशन मीन्स फिजा की हालत टेम्परेचर मीन्स दर्जा हरारत मॉइस्चर मीन्स नमी लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे अरसे मौसम और आबो हवा में बुनियादी फ़र्क ये है कि मौसम किसी ख़ास वक्त में फिजा, दर्जा हरारत हवा में नमी और हवा के दबाव की हालत को कहते हैं जबकि क्लाइमेट जो है यानी कि आबो हवा किसी ख़ास इलाके के एक लंबे अर्से के दौरान हवाई की औसत कैफियत को कहते हैं नौ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर थर्टी थ्री वी विल स्टडी अबाउट मेजर क्लाइमेटिकोन्स बेस्ड ऑन लेटीट्यूड अर्जबल्द के लिहाज से आबो हवा के बड़े ख़त् वी कैन डिवाइड द वर्ल्ड इंटू वेरियस रीजन्स ऑन द बेस ऑफ लेटीट्यूड लेटिट्यूड मीन्स अर्जबल अर्जबल्ब के लिहाज से हम दुनिया को मुख्तलफ़ ख़ों में तकसीम कर सकते हैं

इसी तरह अर्जबल के लिहाज से दुनिया को तीन बड़े ख़त्ों में तकसीम किया गया है जो मंदरजा हैं। नंबर वन टोरेट जोन इट इज़ लोकेटेड। लोकेटेड मीन्स वाकया होना बिटवीन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्रीज टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर द सन शाइंस वर्टिकली वर्टिकली मीन समन ओवर दिस एरियाज थ्रू आउट द ईयर देयर द वेदर ऑफ दिज एरियाज रिमेन हॉट ऑल द ईयर लॉन्ग सम वेरी हॉट एरियाज़ हॉट एरियाज़ मीनस गर्म इलाके ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो लोकेटेड हेयर ये खता ख़त असतवा से ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री शुमाल और जनूब में वाक़ है इन इलाक़ों में सारा साल सूरज तकरीबन अमूदन चमकता है इसलिए यहाँ पर सारा साल मौसम गर्म रहता है इसमें दुनिया के चंद शद गर्म इलाके वाक़ हैं ना वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेट जोन दिस रीजन इज़ लोकेट बटवीन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्रीज एंड सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्रीज़ इन द नारॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमस्फ़ियर नर्दर्न एंड सर्दर्न हेमस्फ़ियर मीनस शुमाली और जनूबी नस्फ़ गुरों दिस एरियाज़ आर वॉम इन समर एंड कोल्ड इन वंटर ये खत् ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री से नीके सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री शुमाली और जनूबी नस्फ़ गुरों में वाक़ है और इन इलाकों में मौसम गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द होता है नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रिजिड जोन दिस रीजन इज़ लोकेटेड बिटवीन सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री डिग्री मीन्स दर्जे एंड नाइन्टी डिग्रीज इन द नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमस्फियर ये खिता सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री से लेके नाइन्टी डिग्री नस्फ कुरा शुमाली और जनूबी में वाक़ है द वेदर ऑफ़ these एरियाज़ रिमेन्स मॉडरेट मॉडरेट मीन्स मतदर इन समर एंड एक्सट्रीमली मीन्स दीद कोल्ड इन विंटर इसमें मौसम इस सरमा शदीद सर्द और मौसम गर्मादर होता है ना स्टूडेंट्स लुकट दिस इमेज ग्लोब से हम पूरी दुनिया को एग्जामिन कर सकते हैं जब हम ग्लोब या मैप को देखते हैं तो लकीरों का एक जाल हमें नज़र आता है इन लाइन्स को डिग्रीज में डिवाइड किया गया है वर्टिकल लाइन्स को हम लॉन्गी और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लेटीट्यूड कहते हैं लेटीट्यूड एक इमेजिनरी सर्कल है जो ग्लोब पर ईस्ट टू वेस्ट रन करता है मिडिल पार्ट को इक्वेटर कहते हैं ठीक है ठीके? और ऊपर वाला पार्ट समथिंग लाइक 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाला पार्ट समथिंग लाइक 90 डिग्री साउथ कहलाता है सो नॉर्थ 23.5 डिग्री एंड साउथ 23.5 डिग्री, इक्वेटर जो है वो हमेशा ज़ीरो डिग्री पर लाई करता है सो वी कैन से साउथ सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री एंड नॉर्थ सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री ये हमारे डिस्टेंस हैं इमेजनरी लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं और अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती हैं उनको हम हेमस्फेयर्स कहते हैं नॉर्दर्न हेमस्फेयर कहते हैं part of the earth that is north of the equator and southern hemisphere means it includes everything that is south of the equator now students look at the image red color shows torrid zone yellow color shows temperate zone and blue color shows frigid zone now students come to page number 34 we will study about climate of different physical regions in pakistan पाकिस्तान के मुख्त तबी ख़ों की आबो हवा वी कैन सी इन द मैप दैट पाकिस्तान इज लोकेट इन द नॉर्थ फ्राम ट्रॉपिक आफ़ कैंसर लोकेट मीन्स वाक़ होना ट्रॉपिक आफ कैंसर मीन्स ख़ सरतान नक्शे में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ख़ सरतान के शुमाल में वाक़ है ना स्टूडेंट्स वॉट इज़ ट्रापिक ऑफ कैंसर इट इज़ द मोस्ट नॉर्थर्ली सर्कल ऑफ लेटीट्यूड ऑन अर्थ एट विच सन कैन बी डायरेक्टली ओवर हैड यह अर्ज़ बल्ब ज़मीन का शुमाली दायरा है जिस पर सूरज बरह रास्त ऊँचा हो सकता है देयर फॉर इट्स क्लामेट शुड बी मॉडरेट मॉडरेट मीन्स मुतदर इसलिए इसकी आबो हवाद होनी चाहिए हाउ एवर वी हैव स्टडिड अबाउट द नेचुरल रीजन्चुरल रीजन्स मीन्स कुदरती ख़ते ऑफ पाकिस्तान इन द्रीवियस चैप्टर इट्स क्लाइमेट वेरीज़ फ्राम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स फ़िजियोग्राफ़ी एंड स्ट्रक्चर फिजियोग्राफ़ी मीन्स खदोख़ाल स्ट्रक्चर मीन्स बनावट हम पिछले चैप्टर्स में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कुती बारे में पढ़ चुके हैं इनकी ज़मीनी बनावट और खदोख़ाल की वजह से मुख्तलि इलाकों की आबो हवा भी मुख्तलफ है क्लाइमेट ऑफ द माउंटेनियस रीजन पहाड़ी इलाकों की आबो हवा द नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर अप अबव द सी लेवल सो द विंटर सीजन इज़ नॉन्ग एंड एक्सट्रीम देयर, नॉर्थर्न मीन्स शुमाली नॉर्थ मीन्स शुमाल वेस्टर्न मीन्स मगरबी नॉर्थ मीन्स शुमाल ईस्टर्न मीन्स मशरकी सी लेवल मीन्स सतह समंदर, पाकिस्तान के शुमाली शुमाल मगरबी और शुमार मशरकी पहाड़ी इलाके सतह समुद्र से बहुत बुलंद हैं इस वजह से वहाँ मौसम सरमा बहुत सर्द और तवील होता है द टेम्परेचर रिमेन्रो डिग्री टू टेन डिग्री सेल्सियस सेल्सियस मीन सेंटीग्रेड वेरी ऑफन द टेम्परेचर टेम्परेचर मीन्स दर्जा हरारत फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स मंजबंद नुकता दस लीडिंग टू स्नोफॉल द समर सीजन इज नॉट टू हॉट बट मॉडरेट एंड हैज़ अ शॉर्ट डूरशन ड्यूरेशन मीन्स दुरानिया मौसम सरमा में दर्जा हरारत ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड से टेन डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है अक्सर दर्जा हरारत मंजमत नुकत से भी कम होता है जिसकी वजह से बर्फ़बारी होती है मौसम में गर्मा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता बल्कि मतदिल होता है और इसका दुरानिया भी कम होता है नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट क्लाइमेट ऑफ द प्लेन रीज़न्स मैदानी इलाकों की आबो हवा मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध आर सिचुएटेड इन इंडस प्लेन इंडस प्लेन मीन्स मैदानी इलाके या मैदानी इलाकों पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके दरियाई सिंध के मैदानी इलाकों का हिस्सा हैं समर सीज़न ऑफ सिंध एंड साउथ पंजाब साउथ पंजाब मीन्स जनूबी पंजाब इज़ वेरी हॉट एंड ड्रॉन्ग इट एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स मीन्स बढ़ता है फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर सिंध और जनूबी पंजाब में मौसम में गर्मा बहुत तवील और गर्म होता है और मार्च से अक्टूबर तक रहता है जबकि शुमाली पंजाब में ये मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक होता है जून साल का गर्म तरीन महीना होता है मानसून रेंस मानसून रेंस मीन्स मानसून की बारिशें रिड्यूस रिड्यूस मीन्स कमी इंटेंसिटी शिद्दत ऑफ द समर सीज़न इन नॉर्दर्न पंजाब शुमाली पंजाब में मानसून की बारिशें गर्मी की शिद्दत में कमी का सबब बनती हैं विंटर सीज़न इज़ वेरी शॉर्ट हेयर एंड जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर टेम्परेचर ऑफ़ द विंटर सीजन रिमेन्स इन बिटवीन टेन डिग्री टू डिग्री सेल्सियस सेल्सियस मीन सेंटीग्रेड मौसम सरमा बहुत मुख्तर होता है जनवरी का महीना सबसे ज़्यादा सर्द होता है इस खत्े में मौसम सरमा में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है दोज़ एरियाज़ आर डेजर्ट वेयर वाटर इज़ नॉट अवेलेबल नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 35. अवेलेबल अवेलेबल मीन्स दस्तियाब जहाँ पर पानी दस्याब नहीं वहाँ पर रेगिस्तान है बिसाइड्स द एरियाज़ ऑफ सिंध एंड पंजाब प्लेन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़लसो फाउंड इन समीजन ऑफ खैबर पखतनख्वा इंक्लूडिंग पेशावर कोहाट बनू एंड समलीज़ वैलीज मीन्स वादियाँ ऑफ डेरा इसमाइल खान सिंध और पंजाब के अलावा सूबा खैबर पखतनख्वा के कुछ इलाक़ों जिनमें पेशावर कोहाट बनू और डेरा इसमाइल खान की वादियाँ शामिल हैं और मैदानी इलाकों की आबो हवा पाई जाती हैं नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट ऑफ द बलोचिस्तान प्लेटो सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान की आबो हवा बलोचिस्तान प्लेटो कवर्स अवास्ट एरिया ऑफ लैंड कवर्स अवास्ट एरिया ऑफ लैंड मीन्स वसी इलाके पर फैला है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान वसी इलाके पर फैला है इट्स समर सीज़न इज़ ड्राई एंड हॉट विंटर सीज़न इज़ मॉडरेट मॉडरेट मीनस मतदल हेयर मौसनी रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द विंटर यहाँ पर मौसम गर्मा खुश्क और गर्म होता है जबकि मौसम सरमाद होता है यहाँ ज़्यादातर बारिशें मौसम में सरमा में होती हैं नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज साहली इलाकों की आबो हवा अलॉन्ग दैरो कोस्टल स्ट्रिप ऑफ पाकिस्तान समर इज़ लॉन्ग एंड वाइल विंटर इज़ शॉर्ट कोस्टल स्ट्रिप मीनस साहली पट्टी पाकिस्तान की तंग साहली पट्टी में मौसम में गर्मा तवील और नीम गर्म होता है जबकि मौसम सरमा मुख्तर होता समर एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स मीन्स बढ़ता है फ्रॉम मार्च टू नवंबर वाइल विंटर लास्ट फ्रॉम डिसम्बर टू फेबर मौसम गर्मा मार्च से नवंबर तक और मौसम सरमा दिसंबर से फरवरी तक होता है द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन ड्यूरिंग समर इज़ लोअर देन इंडस प्लेन्स वाइल द टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर इज़ कम्पेरेटिवली हायर कंपेरेटिवली मीन्स नस्बता हायर मीन्स ज़्यादा टम्परेचर मीन्स दर्जा हरारत समर से करीब होने की वजह से इस, इस इलाके में मौसम गर्मा में दर्जा हरारत दरिया सिंध के मैदानों से कम गर्म होता है जबकि मौसम सरमा यहाँ मौसम सरमा में यहाँ का दर्जा हरारत नस्बता ज़्यादा होता है नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी द क्लाइमेटिक रीजनस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के तबई ख़त्ों की आबो हवा ऑरेंज कलर शोस क्लाइमेट ऑफ माउंटेनियस रीजन पहाड़ी ख़ते की आबो हवा ग्रीन कलर शोस क्लाइमेट ऑफ द प्लेंस मैदानी ख़त्े की आबो हवा ब्राउन कलर शोस क्लाइमेट ऑफ द बलूचिस्तान प्लेटो सतह की आबो हवा एंड येलो कलर शोस क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज साहली इलाक़ों की आबो

खुशगवार हो एक्सट्रीमली शदीद हॉट एंड कोल्ड एरियाज आर नॉर्मली लेस पॉपुलेटेड लेस पॉपुलेटेड मीन्स आबादी कम होना शदीद गर्म या सर्द इलाकों में आबादी कम होती है इन द सेम वे द ड्रेस रेजिडेंस रेजिडेंस मीन्स घर लाइफ स्टाइल एंड प्रोफेशन प्रोफेशन मीन्स ज़रिया माश ऑफ पीपल आर ऑल्सो डिफरेंट इस तरह उनके लिबास घर रिहाइश के तरीक़े और जरिया माश भी मुख्तलफ होते हैं द कल्टिवेशन अपॉरचुनिटीज कल्टिवेशन मीन्स काश्तकारी अपॉर्चुनिटीज़ मीनस मौक़े आर रेयर इन दडी एरिया पहाड़ी इलाकों में जहाँ काश्तकारी के मौे कम होते हैं हाउ एवर दीज एरियाज़ आर फेवरेबल फ़ॉर फ्रूट प्रोडक्शन फेवरेबल मीन्स साजगार फ्रूट पल प्रोडक्शन पैदावार एंड कैटल रेयरिंग मवेशी पालना ड्यू टू द कोल्ड एंड मॉडरेट वैदर वहाँ सर्द और मतदल मौसम फलों और मवेशियों के लिए नहाय साजगार होता है ऑन द अदर हैंड द ड्राई एंड प्लेन एरियाज आर कल्टिवेट वेयर वाटर इज़ अवेलेबल अवेलेबल मीन्स मौजूद या दस्तिया अदरवाइज दिस एरियाज बिकम डेजर्ट ड्यू टू द स्कैसिटी ऑफ वाटर स्कैर सिटी मीन्स कमी पीपल एडॉप्टेयरिंग कैटल रेयरिंग मीन्स मवेशी पालना देयर मैदानी खुश्क इलाकों में जहाँ पानी मैसर है जरात की जाती है और जहाँ पानी मैसर नहीं वहाँ रेगिस्तान है रेगिस्तानी इलाकों में लोग ज़्यादातर मवेशी पालते हैं वेदर ऑफ़ द कोस्टल एरियाज कोस्टल एरियाज़ मीन साहली इलाके मॉडरेट मॉडरेट मीनस मतदल साहली इलाकों में मौसम मतदल रहता है एज अ रिजल्ट दे आर वेल पॉपुलेटेड जिसकी वजह से वहाँ आबादी ज़्यादा होती है most of the coastal and plain areas of the world are thickly populated duniya mein zyada abadi sahili aur maidani mein abad hai leading to the development of industries and big cities over there development means taraki. people wear warm dresses and take a lot of tea in the winter however people wear light ड्रेसेस, लाइट ड्रेसेस मीन्स हल्के फुलके कपड़े पहनना एंड यूज़ कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स मीन्स ठंडे मशरूबा इन द समर जिसके साथ सनते और बड़े बड़े शहर आबाद हैं मौसम सरमा में, में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जबकि मौसम गरमा में, में हल्के फुलके कपड़े पहनते हैं और ठंडे मशरूबा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट टू we will do reading and explanation of this chapter in next class thank you and allah hafiz stay home stay safe